सल्फर तक हो गया था, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, पोलोनियम, और इसने बोला था एलवी, वो भी लिख बोलेगा सर आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो देखिए सर ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन हो गया था, सल्फर हो गया था, सही है, ये सर नो एस सिक्स भी हो गया था, एस एल भी हो गया था, सल्फेट भी हो गया था, सल्फाइड भी हो गया था, आपने आंसू की बातें हैं वो भी बताया था, सीन रहेगा कि एंटी रहेगा वो आपको फाइंड करने के लिए बोला था, सही है गलत सीन और एंटी रहेगा कि कहाँ सीन रहेगा वो बताया था, फॉर्मूला कौन सा रहेगा वो आप डिसाइड करो, दो फॉर्मूले पॉसिबल रहेंगे, एक सीन वाला दूसरा एंटी वाला, तो सीन वाला क्या हो सकता है वो आपको डिसाइड करना है। ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम टेलुरियम साथ में दिए है, एक बार रीड करो, ओनली रीड करना है, लिखना नहीं है, सेलेनियम टेलुरियम साथ में दिए है, ग्लास
the red color of traffic signal glass. The red color of traffic signal glass. इस कलर होते हैं ना, इसमें भी जो रेड कलर का जो ग्लास होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ कैडमियम एंड सेलेनियम. कैडमियम एंड सेलेनियम, तो कैडमियम और सेलेनियम इन दोनों के मिक्सर से वो रेड कलर का ग्लास बनता है जो ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट वर्ड, सेलेनियम एंड टेलुरियम. सेलेनियम एंड टेलुरियम आर प्रेजेंट इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म. सेलेनियम एंड टेलुरियम आर प्रेजेंट इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म. सल्फर हेक्सा एटॉमिक भी होता है और ऑक्टा एटॉमिक भी होता है, ये ओनली ऑक्टा एटॉमिक लाइट मीटर एंड फोटोग्राफिक मटेरियल. लाइट मीटर एंड फोटोग्राफिक मटेरियल, ठीक है, दैट्स इज फॉर सेलेनियम एंड टेलुरियम. नेक्स्ट पोलोनियम, रेड कलर कुछ मिलेगा तो पता है. कितने पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखो लिखो, एज इट इज एक ही पॉइंट है. दूसरा वर्ड लिखो, इफ हाफ लाइफ टाइम इज टी हाफ, टी वन बाय टू, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इज 13.8 days. 13.8 days. वी नो मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ टाइम, क्या हो गया, उतने दिन के बाद बिगड़ जाएगा, मतलब ये 13.8 दिन पहले तक अच्छा रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा. चावल सही थोड़ी है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्ट करना शुरू कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा. बाल कम हो गया, अंदर का थोड़ी कम हो गया. इधर मतलब होता है जितना क्वांटिटी हमने यूज किया है उसका आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी हाफ. क्या बोलेंगे, टी हाफ. समझ में आ गया, एक पानी के टैंक है घर में, वो भर दिया है और हमको आदत है उसको खोल के रखने, तो उस टैंक को आधा होने के लिए टाइम लग रहा है 2 घंटे का. इसका मतलब उस टैंक के अंदर का जो पानी है खाली होने का हाफ लाइफ टैंक कितना हो जाएगा. तो हाफ लाइफ टैंक का मतलब होता है जितना क्वांटिटी आपने यूज किया है, सपोज आपने 10 ग्राम यूज किया है तो 10 ग्राम का आधा कितना हुआ, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी को इमिट करते हैं, और जब वो एनर्जी को इमिट करेंगे तो उनका मास जो रहेगा वो कम हो जाएगा, उनका क्वांटिटी जो रहेगा वो कम हो जाएगा,
तो जितना क्वांटिटी इनिशियली यूज किया था उसका आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, और जिसको बोलेंगे टी हाफ। ठीक है, क्या लिखेंगे? टी हाफ। टी हाफ उसके साथ साथ टी वन बाय फोर भी आता है, मतलब उसका वन फोर्थ होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही टी वन बाय एट भी आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में बस यही से काम खत्म होता है, फिजिक्स में ये सब आएगा। ठीक है, ट्वेल्थ में ही है। ठीक है, नेचर में तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है पोलोनियम के बारे में। पोलोनियम का हाफ लाइफ टाइम है 13.8 डेज, ज्यादा हाफ लाइफ टाइम ऑफ पोलोनियम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, इस
किसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा? किसका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट रहेगा? ऑक्सीजन। पक्का। तो किसका आयोनाइजेशन थर्मी सबसे ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन। उससे कम किसका रहेगा? सल्फर। उससे कम किसका? उससे कम और उससे कम। जहां तक ठीक है, ये हुई बात किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। नंबर फोर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? तो किसका आयोन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होना चाहिए? तो सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बट रियल में ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा सल्फर, से कम सेलेनियम, से कम टेल्यूरियम, कम पोलोनियम, से कम ऑक्सीजन। क्यों? क्यों? इसका साइज होता है कम, साइज होता है कम, और जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करता है। सेम दिया था वैल्यू के साथ टेबुलर फॉर्म में, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर थ्री में, ठीक है। तो उसका रीजन मैंने तब भी बताया था और अभी भी सेम रीजन है। अब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था और ये एक्चुअल में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डायरेक्टली किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? हमेशा नॉर्मली जो पहले ट्रेंड्स पड़े थे वही फॉलो करना है। इफ कोई ऐसा है जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, अदरवाइज आगे बढ़ जाने का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें है? ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे कम सल्फर, से कम सेलेनियम, से कम टेल्यूरियम, से कम पोलोनियम। सही है, गलत? उसके बाद नंबर सिक्स जो मैंने आपको बताया था वो था डेंसिटी। क्या बताया था? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। यहाँ से इधर आ रहे, मास बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ये एक कंसेप्ट कहता है। दूसरा कंसेप्ट, यहाँ से इधर आया तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? तो एक कंसेप्ट बोलता है कि वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी कम होना चाहिए, दूसरा कंसेप्ट बोलता है डेंसिटी बढ़ना चाहिए। तो ऐसे समय क्या करेंगे? जिसमें चेंज ज्यादा होता है उसको देखेंगे। सपोज चेंज इन वॉल्यूम में ज्यादा है तो क्या करेंगे? चेंज इन वॉल्यूम के साथ जाएंगे, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। सपोज चेंज इन मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से जाएंगे, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। और इसमें डेटा से पता चला कि चेंज इन वॉल्यूम से ज्यादा चेंज इन मास ज्यादा है, और किसके हिसाब से जाएंगे? मास के हिसाब से जाएंगे, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मास बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का सबसे कम, उससे ज्यादा सल्फर, से सॉरी बेटा हो गया, तब ऑक्सीजन का सबसे कम, उससे ज्यादा सल्फर, से ज्यादा सेलेनियम, से ज्यादा टेल्यूरियम, से ज्यादा पोलोनियम। समझ में आ रहा है? ओके, देख लो एक बार, नहीं समझा तो पूछो, एक बार देखो, नहीं समझा तो पूछो।
ठीक है ओके। अब हम देखना है मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इनमें से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा? तो सबसे कम कौन रहेगा? सबसे ज्यादा कौन रहेगा? सबसे ज्यादा कौन रहेगा? सबसे ज्यादा कौन रहेगा? सबसे ज्यादा कौन रहेगा? क्लियर? लेकिन एक चेंज है इन दोनों में, सही है? देखो टेबल निकालो, 7.6, सही है? मेल्टिंग पॉइंट देखो, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर से ज्यादा सेलेनियम से ज्यादा टेलुरियम, लेकिन रियल में टेलुरियम और पोलोनियम में से पोलोनियम का कम है, होना चाहिए था ज्यादा, ऐसा क्यों? शायद हाँ, दो बातें, पहली बात तो मेटल है इसलिए, और दूसरी बात ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? ज्यादा। अब आपको तो पता है 6 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी और 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, नहीं समझा? अरे देखो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 6। तो मेल्टिंग पॉइंट जब हम चेक करेंगे तो 6 के हिसाब से जाएंगे ना, लेकिन ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो सिंपल सी बात है, 6 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी 4 बॉन्ड से ज्यादा लगेगी, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब उस टेबल में सबसे पहले देखो कोवेलेंट रेडियस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? उसके बाद आयनिक रेडियस, अब कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन और आयनिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन में से कौन सा ज्यादा है? क्यों बढ़ा होगा? क्यों बढ़ा होगा? रीजन देखो, रीजन पहली बात, जो कोवेलेंट रेडियस दिया हुआ है ना वो ऑक्सीजन का है, इसका एटॉमिक नंबर 2N6 वाले का, और जो आयोनिक रेडियस दिया है ना वो O-2 का है, देखो E-2 लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो O-2 लिखा हुआ है, तो ये रहेगा 2N8। रूल नंबर 1, नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो साइज बड़ा, इसके पास कितने शेल है? दो। इसके पास कितने हैं? दो। काम में नहीं आएगा। रूल नंबर 2, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन आने के बाद, क्या बोलते हैं रूल नंबर 2? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज कहां से पता चलेगा? एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है ना, ये है +8 और ये है +8, तो वो भी काम नहीं करेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जिसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उसका साइज बड़ा रहेगा, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और इसके वैलेंस शेल में 8, तो जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे उसका साइज बड़ा रहेगा। तो अब बताओ ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में मतलब कोवेलेंट रेडियस, और वो -2 में जो है ना चार्ज वाला वो रहेगा आयनिक रेडियस, ठीक है? अब उन्होंने मेंशन किया हुआ है E-2, because मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, जब ये ऑक्सीजन +2 शो करता है, it may be in +2, suppose मैंने लिख दिया O +2 तो क्या होगा? 2N4 +2 लिखा तो क्या होगा? 2N4 होगा ना। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी +8 है, यहाँ पे भी +8 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, रूल नंबर 3 काम में आएगा, तो इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका साइज छोटा रहेगा। उन्होंने वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका आयोनिक रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, E-2 लिखा हुआ, ठीक है? जैसे मैं रिएक्शन करने के टाइम पे बोलता था ना, M का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करना है, M का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करना है, M का मतलब ये पूरे एलिमेंट, वही M वाला सिंबल टेक्स्ट बुक में E के फॉर्म में दिया हुआ, तो E एंड M जस्ट आर द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द होल ग्रुप, मतलब ये पूरे एलिमेंट्स के लिए कॉमन सिंबल कौन सा है? E। तो उन्होंने बोला है सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा,
तो आयोनिक रेडियस जो रहेगा वो माइनस टू में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ट्रेन अभी बताया था, वैल्यू को कंपेयर करना है साइन को नहीं, नेगेटिव साइन ये बताता है कि एनर्जी को रिलीज किया है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एनर्जी को रिलीज करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे एनर्जी को गेन करेंगे। नेक्स्ट बोलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट वाला कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर बोलता है एनसीडी, फिर बोलता है मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट में क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। टेबल को एक बार देख लो अच्छे से, तो यहाँ लिखा हुआ है सब वहीं पे, टेबल समझ में आया तो नीचे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है दो चार पांच पॉइंट को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेबल समझ में आया तो हो गया था। सिंथेटिक रेडियोएक्टिव का मतलब होता है कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं, और कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसाइज रेडियोएक्टिव। टेबल क्लियर? अरे टेबल क्लियर, कोई शंका कोई डाउट लिखना है तो लिखो, जल्द लिखो, लिखने का तो पहले तैयार एक सही है 25% तो बताई दिया।
Done? Okay. तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई नहीं है? अपन? नहीं हो गई। तो ध्यान रखना, अगर बंद हो गई ना, तुझे रिकॉर्ड करने लगा मैं बोर्ड के ऊपर, और मैं वहां बैठूंगा। देखो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, कॉफी भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है? अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 6 की एलिमेंट, ठीक है? E is a symbol for group number 16 element oxygen, sulfur, selenium, tellurium and chlorine. Last of the radioactive तो उसके बारे में ज्यादा information नहीं देखेंगे, तो इसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, चार्ज की तरफ ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? अब हमने देखा था ये जो एलिमेंट है ये दो बॉन्ड बनाते हैं, कितने? दो। जब ये दो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो। राउंड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? दो। एक्साइटेड स्टेट वन बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काम का है इसलिए, अच्छा लेकिन टाइम पास करना है, ठीक है? फिर आता है एक्साइटेड स्टेट टू, देखो ग्राउंड स्टेट में उसने दो बॉन्ड बनाए, तो ये दो बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल को यूज करेगा? तीन ऑर्बिटल का ऑप्शन देता हूं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी पी पी, तो ये ओनली पी टाइप के ऑर्बिटल को यूज करेगा। जब ये चार बॉन्ड बनाएगा तो किसको यूज करेगा? पी एंड डी, ओके पी एंड डी। जब ये छह बॉन्ड बनाएगा तो एस डी एंड डी, ठीक है? ये काम करेगा। अब ये अगल बगल लिख लेते हैं एस पी डी एफ, कोई भी ऑर्बिटल अपने अगल बगल वाले के साथ और उसके साथ गौर लिया कर सकता है, बाजू के बाजू वाले के साथ नहीं करेगा, ठीक है? इतना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, बाजू वाले के सीमित है। अब सपोज हम ई का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, ये दो बॉन्ड बनाएगा, कितने? दो। ऐसा रहेगा ना, एच एक्स वन बॉन्ड बनाता है, ई टू बॉन्ड बनाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? ई एच चार बॉन्ड बनाएगा तो ई एच फोर, छह बॉन्ड बनाएगा तो ई एच सिक्स, ठीक है? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाने के टाइम पे कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, कौन सा? ठीक है, जब ये दो बॉन्ड बनाए यहाँ पे तो इस ई में कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? बी। तो क्या एस और बी का और लग पॉसिबल है? यस, ये हो गया पास। जब ई में चार बॉन्ड बनाए तो कौन से ऑर्बिटल यूज किए? पी एंड डी। पी एंड डी, क्या इसका पी के साथ और लग पॉसिबल है? यस। क्या डी के साथ है? नो, इट इज नॉट। जब यही पॉसिबल नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं रहेगा। तो होने तो चाहिए तीन टाइप के हाइड्राइड, व्हाई दिस कॉल्ड एज हाइड्राइड, बाई से मॉलिक्यूल से दो में से हाइड्रोजन है, सिंपल है, ठीक है? तीन टाइप के हाइड्राइड होने तो चाहिए, लेकिन रियल में क्या होगा? एक ही टाइप का होगा, कौन सा? ई एच टू, या तो कहीं लिखा होगा एच टू ई, दोनों का मतलब सेम है। जब गदर को उल्टा करो तो मोड़ नहीं बन जाता, जब कर नहीं देता है पता है? क्या बोलते हैं? ठीक है, सपोज हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करेंगे तो क्या होगा? H2O, सॉरी ऑक्सीजन। सल्फर यूज करेंगे तो H2S, सेलेनियम यूज करेंगे तो H2SC, टेल्यूरियम रहेगा तो H2B। चल यहाँ तक एक बार देख लो, ठीक है? इफ हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जाते हैं तो इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा,
H2DE. तो सबसे ज्यादा रहेगा H2DE और सबसे कम रहेगा H2O2. पक्का? ओके. सेकंड बॉन्ड एंगल. ओके, बॉन्ड लेंथ हाफ हो गया ना, तो किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? H2O2. तो किसका बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? H2O2. तो इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या रहेगा? थर्ड क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल. हाइड्रोजन कंप्लीटली नॉन मेटल है,
और टेलुरियम जो रहेगा वो कंप्लीटली नॉन मेटल नहीं है, क्लियर है ना। अरे टॉप टू बॉटम जाके तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है कम होता है? कम होता है। देखो टेलुरियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.01। देखो टेलुरियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.01 और हाइड्रोजन का 2.1, सही है ना। टेलुरियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.01, मतलब हम मान के है ये 2.0 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अब बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? टूवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। और जब ये अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा तो सिंपल सी बात है इसका मॉल एंगल कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे बताओ H2O और TeH2 में से किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए H2O और सबसे कम होना चाहिए, क्लियर है? नहीं समझा? ठीक है चलिए आगे। अब ओके, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे ये है, ऐसा कुछ है। इसमें भी टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा, इसमें भी टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा। फिर ज्यादा सेंटर की तरफ कौन जाएगा? पहला वाला। कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा? और जितना ज्यादा खींचेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जितना कम खींचेगा उतना बॉन्ड एंगल, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना ये दोनों बातें? क्लियर है। तो यहाँ से पता करेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, किसका बॉन्ड एंगल कम रहेगा। लिखने के लिए वही पे इरेज नहीं करूंगा। नंबर 4 मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कौन सा अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा? और मेल्टिंग पॉइंट में जब किसके लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए? सीक्वेंस लिखा तो क्या होगा? H2O से ज्यादा H2S से ज्यादा H2SC से ज्यादा H2TE, सही है गलत? अब मैंने आपको पूछा ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है कि नॉन पोलर? अरे सिमेट्रिकल है क्या? तो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा? पोलर। अब ये यहाँ पे H2S एक है और यहाँ पे दूसरा H2S है, तो इनके बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? अरे ऑप्शन क्या है? डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चार ही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डीडी। यहाँ पे कौन सा होगा? डीडी। यहाँ पे कौन सा होगा? डीडी। ये पोलर है नॉन पोलर है? अरे पोलर है नॉन पोलर है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? डीडी, सही है? ओके, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है और उसके बाजू में मैंने यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया, इनके बीच में एच बॉन्डिंग पॉसिबल है? यस और नो? और एक वाटर मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्डिंग बना सकता है? चार। दो बनाएगा लोन पेयर के थ्रू, दो बनाएगा एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू। तो इसके पास ओनली डीडी नहीं है, इसके पास एच बॉन्डिंग भी है। तो अब बोलो किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? तो ये यहाँ से उसी तरह उनके इधर करके बैठ जाता है, समझा? नहीं समझा? अभी तक सब कुछ सीक्वेंस में था, अकेला चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि सब में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें डाइपोल डाइपोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जहां पे भी एच बॉन्डिंग होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। सेम हमें ग्रुप नंबर 15 में पढ़ा था NH3 के बारे में कि सबसे कम होना चाहिए था NH3 का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा हुआ था NH3 का। क्यों? क्योंकि वो भी एच बॉन्डिंग बनाता है, बाकी डीडी होते हैं वो एच बॉन्डिंग के साथ होता है, समझा कुछ? नहीं समझा? अब देखो इनमें से किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है?
किसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा? इसका मतलब कौन आपको हाइड्रोजन इजीली देगा? इसका मतलब कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा? H2TE. ओके, तो इफ मैं यहां पे लिखता हूं के ए का वैल्यू, किसका के ए का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा? सही है गलत? ठीक है ना? अरे जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो जल्दी टूटेगा? नहीं, जब वो टूटेगा नहीं तो एक्सप्रेशन कहां से देगा? और जो इजीली टूटेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन दे सकता है, और जो हाइड्रोजन देगा उसका के ए का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा। और जो हाइड्रोजन देता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे जो ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन देगा उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन सब में से कौन हाइड्रोजन इजीली देगा? इसका मतलब सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा? तो हम यहाँ से इधर आ रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी बढ़ेगा या कम होगा? पक्का नहीं समझा? जो लो एक बार देखना है, लिखना नहीं है। एच माइनस होगा वो सही है, हम ये देख रहे थे। इन सबके पास लोन पेयर है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर इशू करेगा। हम उल्टा पढ़ रहे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, बेसिक नेचर कम होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ऐसे सब कुछ सीक्वेंस के हिसाब से है, एक ही चेंज हुआ, कौन सा? ठीक है, उसका रीजन है एच बॉन्ड, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में रिएक्शन विद हाइड्रोजन होगा और जस्ट उसमें टेबल दिया होगा, ये वैल्यू सब टेबल के अंदर दी है। ठीक है, वैल्यू को रट्टा नहीं मारना है, सीक्वेंस को याद रखना है, याद नहीं रखना, समझना, एक बार समझ जाओगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। 13 में भी पढ़ा था, 14 में भी वही है।